हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप इम्पॉर्टेंट नहीं समझ के छोड़ के चले जाते हो, जबकि हर बार नीट के अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों हम अपने 4 या 8 मार्क्स का नुकसान करें। आज के वीडियो के अंदर हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे और फिर उसके बाद में हमें इन दोनों टॉपिक्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अब हम अराउंड 13 डेज के वीडियोज जो है वो कम्प्लीट कर चुके हैं। आपका आई एम श्योर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि इतना सारा सिलेबस आप पूरे साल भर से ट्राई कर रहे थे, तब आपका इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा जितना इन पिछले 13 दिनों के अंदर हो गया होगा। तो अब इस इंक्रीज कॉन्फिडेंस का फायदा उठाइए और टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई कीजिए। प्रेप ऑनलाइन के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि मोस्ट वॉन्टेड सीरीज के अलॉन्ग साइड ही प्रिपेयर की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कैसे मिनिमम एफर्ट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा नीट रिलेवेंट जो टॉपिक्स है, नीट रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं, उनको कवर किया जाए। तो आप उस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। और अगर उस टेस्ट सीरीज को बाय करने के लिए आप इस कूपन कोड का यूज करते हो PHY25 का, तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर टेस्ट सीरीज। और अगर आपके किसी फ्रेंड ने मोस्ट वांटेड सीरीज को बाय नहीं किया है और उनकी तहे दिल से इच्छा है कि यार हमें भी इस सीरीज के अंदर एनरोल होना है, तो वो भी इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं मोस्ट वांटेड सीरीज को बाय करने के लिए भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इलास्टिसिटी है उसका मैप बहुत ही छोटा है और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिनसे हम उस मैप की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है डिफॉर्मिंग फोर्स। आप किसी भी सॉलिड को जब डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो आपको एक्सटर्नली एक फोर्स लगाना पड़ता है, उसी को अपन डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। सो द एक्सटर्नल फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम और शेप ऑफ अ बॉडी, इट इज कॉल्ड अ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जब आप किसी सॉलिड के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो आप नोटिस करते हो कि वो जो सॉलिड है उसके अंदर एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। वो क्या करता है, ये जो चेंज आप लाना चाह रहे हो, ये डिफॉर्मेशन जो आप लाना चाह रहे हो, उसको अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स साइज और शेप। अब इस प्रॉपर्टी को पैदा करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है उसको बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। ये कहां से आता है, जब आप किसी सॉलिड को कंसिडर करते हो तो उसकी जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत ही फिक्स्ड होती है। एक फिक्स्ड पोजीशन पर मॉलिक्यूल्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं फिक्स्ड कॉन्फिग्रेशन के अंदर। अगर आप उस कॉन्फिग्रेशन से हल्का सा भी मॉलिक्यूल्स को डिफॉर्म करते हो, छेड़ते हो, तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होता है उनके बीच में। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो जनरेट होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, और जब आप स्क्वीज करते हो, कंप्रेस करते हो, तो उस कंडीशन में ये रिपल्सिव होते हैं। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं ये ही इलास्टिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इस पूरी के पूरे घटनाक्रम को 3 फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा मेजर किया जा सकता है। पहली क्वांटिटी कहलाती है स्ट्रेस। इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज अ काइंड ऑफ प्रेशर। प्रेशर नॉर्मली अपन लिक्विड्स के केस में बात करेंगे, बट यहां पर प्रेशर और स्ट्रेस एक दूसरे के इक्विवेलेंट क्वांटिटीज जैसे समझे जा सकते हैं, राइट। स्ट्रेन जो है, इट इज नथिंग बट चेंज इन कॉन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन। अब कॉन्फिग्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेंथ भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है टिल्ट जनरेट हो रहा हो आपका, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन शेप के अंदर जनरेट हो रहा हो, तो अलग अलग कंडीशन में स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग होगी, बट बेसिक फॉर्मूला यही होगा, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। और तीसरा जो कैरेक्टर है वो कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, और उन्होंने बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वही क्या कहलाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेस और अलग अलग टाइप के स्ट्रेन के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग होते हैं। अब आप ये जानना चाहोगे कि सर ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं, तो जिस जिस तरीके से आप बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो उतने ही टाइप के आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएंगे। जैसे आपने एक वायर लिया, उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसकी लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, या फिर एक वायर लिया या बार ली, रॉड ली एक, और उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसकी लेंथ को डिक्रीज कर दिया,
इन दोनों ही केस में आप लेंथ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगा। जो आप इन दोनों केसेस के अंदर प्रोड्यूस होता हुआ देख रहे हो वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। इस केस में उसको बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, और इस केस में बोला जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, बट है दोनों लॉन्गिट्यूडनल। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा वो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहां पर फोर्स नॉर्मली वेट की वजह से भी आ सकता है या अदर किसी फोर्स वजह से भी लगा सकते हैं। तो वेट की वजह से आएगा तो एम जी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। स्ट्रेन जो होगा वो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है, इस केस में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो क्या कहलाता है? यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। थोड़ा सा अरेंज करोगे तो आपको फॉर्मूला इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर, चुटकियों के अंदर आप इसको यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हो। दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बॉडी आपने बॉडी को पानी के अंदर डुबो दिया। पानी में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि हर पॉइंट के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगता है, ठीक है। और इस कंडीशन में आप बॉडी का वॉल्यूम जो है उसको चेंज होते हुए देखते हो। नॉर्मली वॉल्यूम कम हो जाता है तो इसको वॉल्यूम स्ट्रेस बोला जाता है, एफ अपॉन ए। और नॉर्मली ये प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल सिचुएशन जो है इक्विवेलेंट है। स्ट्रेन जो होगा वो डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम आपने यूज किया है। और इस कंडीशन में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको बल्क मॉड्यूलस बोला जाता है। तो बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। नेगेटिव साइन इस पे यहां पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो डेल्टा वी है नॉर्मली वो नेगेटिव होता है, मतलब वॉल्यूम आपका कम हो रहा है ना, तो ओवरऑल आपका बल्क मॉड्यूलस जो होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, राइट। मैंने यहां पर लिखा नहीं है, बट बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इस बल्क मॉड्यूलस के बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे जब हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, या फिर थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर बात करेंगे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस के लिए। इस बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। जैसे आइसोथर्मल के लिए तो बल्क मॉड्यूलस डायरेक्ट प्रेशर के इक्वल होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस गामा टाइम्स पी के इक्वल होता है, ठीक है ना। तीसरा जो कंडीशन है वो कहलाता है, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फोर्स लगाया जा रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर है। या इसको शियर स्ट्रेस भी बोला जाता है, शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो एफ अपॉन ए फॉर्मूला तो वही है। स्ट्रेन जो है नॉर्मली ये जो एंगल बताए, जो टिल्ट जनरेट किया, ये एंगल बनाए, इसको एंगल ऑफ शियर बोलते हैं। तो जो स्ट्रेन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल नॉर्मली टेन फाइव के इक्वल होगा क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। और टेन फाइव आपको इस डायग्राम के अंदर किसके इक्वल दिख रहा है? दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, तो दिस इज डेल्टा एल एंड दिस लेंथ इज कैपिटल एल। तो इस तरीके से आप शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ अपॉन ए टाइम्स फाइव के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टेबल है इसके अंदर हमारे लगभग सारे के सारे फॉर्मूलाज आ गए जो कि नॉर्मली न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ, अगर कोई वायर या कोई रॉड अपने खुद के वेट की वजह से ही लंबी होती चली जा रही है, तो उस कंडीशन में जो चेंज इन लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा? तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, एम जी वेट हो जाएगा, एल ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस के इक्वल हो जाएगा। कई बार डेंसिटी की फॉर्म में भी ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो डेंसिटी टाइम्स जी टाइम्स एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस के इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट यूज होगा ये फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर। और पोजेंस रेशियो के बारे में जब अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली तब यूज होता है जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होती होती है, साथ ही साथ में उसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। ऑल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा इस कंडीशन में। तो इस डायमीटर के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज हुआ है उसका रेशियो लेंथ के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज हुआ है उसके रेशियो के साथ अगर आप लोगे तो जो नया रेशियो आपको मिलेगा उसको पॉजेंस रेशियो बोला जाता है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि डायमीटर जो है नॉर्मली डिक्रीज होता है। थ्योरेटिकली इसकी जो वैल्यू है वो -1 से लेके 0.5 तक हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इतना कुछ आपको ध्यान में रह गया तो फिर ये कुछ फॉर्मूलाज जो हैं आपकी और मदद कर सकते हैं। जैसे आपको यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और पॉजेंस रेशियो,
इनके बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी गिवन सिचुएशन में हो सकता है इनमें से एक से ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस हो जाएगा 3 times बल्क मॉड्यूलस टाइम्स 1 - 2 सिग्मा, या फिर यंग्स मॉड्यूलस हो जाएगा 2 ईटा टाइम्स 1 प्लस सिग्मा, या फिर 9 / यंग्स मॉड्यूलस 3 / ईटा + 1 / bk इक्वल हो जाएगा। तीनों फॉर्मूलाज तब काम में आएंगे जब एक ही सिचुएशन के अंदर अलग अलग तरीके के स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे होंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट है जो कि नॉर्मली कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, तो एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जब आप डिफॉर्म करते हो किसी बॉडी को, तो वो किसके इक्वल होती है, 1/2 × स्ट्रेस × स्ट्रेन × वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, 1/2 × स्ट्रेस × स्ट्रेन के इक्वल हो जाएगी। कई बार स्ट्रेस को यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन भी लिख दिया जाता है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 × y × स्ट्रेन² × वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, अब इनको डायरेक्ट आपको एज एन इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स है उसमें इससे ज्यादा डेप्थ के अंदर कभी भी जाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको चाहेगा भी नहीं कोई आपसे कि आप इससे ज्यादा डेप्थ के अंदर जाओ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, नॉर्मली जो आइडियल हम लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो कर्व है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, तो इस लिमिट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। बट अगर आप उससे भी ज्यादा लोड अप्लाई करते हो तो फिर आप देखते हो कि आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। ठीक है, उस कंडीशन में फिर स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है बहुत कम स्ट्रेस अप्लाई करने पर भी। बट एक पॉइंट आपको ऐसा मिलता है जिसको बोला जाता है यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट तक क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी अभी तक भी रहती है, मतलब आपकी जो बॉडी है वो ट्राई करती है अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की। बट अगर इस पॉइंट से भी ज्यादा अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो फिर उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, उसका जो बिहेवियर है वो आपकी बार इलास्टिक ना होकर कैसा हो जाएगा, उसका उल्टा प्लास्टिक बिहेवियर हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक का जो बिहेवियर है वो प्लास्टिक बिहेवियर है, इसको प्लास्टिक रीजन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में अगर आप हल्का सा भी स्ट्रेस बढ़ाते हो तो फिर आपके कंट्रोल में चीजें नहीं रहती, आपका वायर या जो भी चीज है जिसके बारे में ग्राफ बनाया जा रहा है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है ना, तो उसको फिर फ्रैक्चर पॉइंट बोला जाता है। नॉर्मली यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है इसको बोला जाता है प्लास्टिक रीजन। ये जितना बड़ा होगा किसी बॉडी के लिए वो बॉडी उतनी ही ज्यादा डक्टाइल होगी। डक्टाइल का मतलब है जिनको खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है, और जिनके लिए प्लास्टिक रीजन जितना कम होगा यील्ड पॉइंट से जो आपका फ्रैक्चर पॉइंट है जितना पास होगा उतना ही ज्यादा आपकी जो बॉडी है वो ब्रिटल हो जाएगी। ब्रिटल का मतलब है कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे वो वायर की फॉर्म में खिंचने की बजाय टूटना ज्यादा प्रीफर करेगी। तो डक्टाइल और ब्रिटल बॉडीज के बीच का जो डिफरेंस है वो इस कर्व से आप फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। फिर हम बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर को मेजर करने के तरीके देख लेते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स यूज करते हैं। नॉर्मली हम ऐसी क्वांटिटी ऐसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो लीनियरली चेंज होती हो टेम्परेचर के साथ। तो स्केल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है, हम दो फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, एक तो अपर फिक्स्ड पॉइंट UFP और एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और फिर हम क्या करते हैं स्लोप इक्वल कर देंगे। तो कोई सा भी टेम्परेचर स्केल हो सकता है, तो उस स्केल में टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। जैसे मान लो आपने सेल्सियस स्केल बनाया तो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर -0, सेल्सियस स्केल जब बनाया गया था तो उसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट था वो क्या लिया गया, 0 लिया गया, और उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या लिया गया, 100, तो 0 नीचे आ जाएगा 100 - 0। ऐसे ही फ़ारेनहाइट के बारे में बात करते हो तो F -32 / 212 - 32, तो इसके लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट अलग लिए गए थे, उनके बीच का गैप अलग लिया गया था। केल्विन स्केल की बात करें तो K -273 / 373 - 273। इसको यूं भी याद रख सकते हो आप, एक तरीके से जो ऊपर चीज रखी हो ये डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब द गैप बिटवीन UFP एंड LFP। तो डेल्टा सी गैप आप 100 देख रहे हो, डेल्टा एफ के लिए गैप आप 180 देख रहे हो, डेल्टा के लिए आप गैप कितना देख रहे हो, 100 देख रहे हो। इसलिए ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन के अंदर जो होने वाला चेंज है वो हमेशा इक्वल होता है, हालांकि स्केल अलग अलग है। बट अगर आप जैसे बोलोगे कि मैंने किसी बॉडी का टेम्परेचर 5 degrees Celsius घटा दिया तो बताओ केल्विन के अंदर कितना घटाया, तो केल्विन के अंदर भी आपने कितना घटाया होगा, 5 केल्विन घटाया होगा। बट सेम चीज
डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि रेशियो फिर अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ में आप इन्हीं फॉर्मूला को यूज़ करके अगर ग्राफिकल फॉर्म में आपको स्केल दे रखे हैं तो स्लोप भी निकाल सकते हो। जैसे आपको इसके और इसके बीच का ग्राफ दे रखा हो तो आप स्लोप निकाल सकते हो आसानी से इस रेशियो को यूज़ करके। तो हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे किस तरीके से इनोवेटिव क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं नीट के अंदर। फिर एक्सपेंशन की बात करें तो तीन तरीके के एक्सपेंशन हो सकते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, फाइनल लेंथ जो होगी वो इनिशियल लेंथ टाइम्स 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, जो भी आपने टेम्परेचर को चेंज किया है। अल्फा यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। सिमिलरली फॉर सुपरफिशियल एक्सपेंशन ए इज इक्वल टू ए नॉट टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स डेल्टा टी, एंड फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन वी इज इक्वल टू वी नॉट टाइम्स 1 प्लस गामा टाइम्स डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा के बीच का जो रिलेशन है, अगर आपकी बॉडी आइसोट्रॉपिक है, इसका मतलब है उसकी प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शंस के अंदर सेम है, ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा जो है वो 1:2:3 में होंगे। यानी कि जैसे बीटा जो हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाएगा, गामा जो होगा वो थ्राइस ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो इस रेशियो को यूज कर सकते हो। बट अगर आपकी बॉडी आइसोट्रॉपिक नहीं है तो फिर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर लेंथ अलग हिसाब से इंक्रीज होगी और जो ब्रेथ है वो अलग हिसाब से क्या होगी, इंक्रीज एक्सपेंड होगी। तो उस केस में बीटा जो है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा के इक्वल नहीं होगा। अल्फा एल मतलब अल्फा अलोंग लेंथ एंड अल्फा बी मतलब अल्फा अलोंग ब्रेथ के इक्वल हो जाएगा। ऐसे गामा जो होगा वो अल्फा अलोंग एल, अल्फा अलोंग बी एंड अल्फा अलोंग एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है उनके अलोंग अलोंग जो भी अलग अलग टेम्परेचर कॉफिशियंट्स होंगे उनके सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आइसोट्रॉपिक के लिए ये दोनों सेम हो जाते हैं, तभी तो 2α और 3α आया था। तो छोटी सी बात है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो सेगमेंट है यहां पर हमारे दोनों टॉपिक्स मिक्स होते हैं। जो आपने पिछला पढ़ा था वहां पे आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, यहां पर टेम्परेचर की वजह से लेंथ चेंज होना देख रहे हो। तो ध्यान रखना, जब तक आपकी रॉड जो है वो दोनों एंड्स पर फ्री है तब तक तो कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट नहीं होगा। बट अगर आपने आपकी रॉड को दोनों एंड्स पर फिक्स कर दिया और फिर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेंथ बढ़नी चाहिए थी बट उसको आप बढ़ने नहीं दे रहे, इस वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट होगा। उसको थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन बोला जाता है। तो थर्मल स्ट्रेन जो होगा वो तो सिंपली अल्फा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, और थर्मल स्ट्रेस जो होगा वो सिंपली यंग्स मॉडुलस टाइम्स अल्फा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। और जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है दोनों के दोनों क्लैंप्स के ऊपर वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स यंग्स मॉडुलस टाइम्स अल्फा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये आया कहाँ से, तो बहुत सिंपल चीज है। जैसे स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन एल, और आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल की जो वैल्यू है वो सिंपली किसके इक्वल होगी, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल होगी। फिर आगे की कहानी तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन के इक्वल होता है, और फोर्स जो होता है वो स्ट्रेस टाइम्स एरिया के इक्वल होता है। तो वहां से फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टाइम पीरियड अगर आप सिंपल पेंडुलम का कंसिडर करोगे तो वहां पर भी क्वेश्चंस मिक्स किए जा सकते हैं। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, जब हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे तब दोबारा से रिविजिट करेंगे इसको, कि जो टाइम पीरियड के अंदर फ्रैक्शनल चेंज होगा मतलब डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ टाइम्स अल्फा टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टी अपॉन टी जो होगा वो एरर वाला प्रिंसिपल बताया था, पावर आ जाती है आगे डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा, और डेल्टा एल अपॉन एल किसके इक्वल होता है, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल होता है। सिंपल सी डेरिवेशन है बट डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो। बाय मेटेलिक स्ट्रिप, आप देख सकते हो एक हिस्सा स्टील का बना हुआ है और लाल कलर वाला हिस्सा जो है वो ब्रास का बना हुआ है। नॉर्मली स्टील का जो टेम्परेचर कॉफिशियंट है वो कम होता है ब्रास के कंपेरिजन में, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्टील कम लेंथ से एक्सपेंड होगा और ब्रास ज्यादा लेंथ से एक्सपेंड होगा। तो ओवरऑल आपका जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है उसका जो हालत है वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। मतलब हमेशा आउटर साइड पर वो वाली स्ट्रिप रहेगी जिसका टेम्परेचर कॉफिशियंट ज्यादा है। फिर इसको बहुत सारी अलग अलग जगह पे यूज किया जा सकता है। नॉर्मली जो थर्मल सेंसर बेस्ड मतलब टेम्परेचर सेंसर बेस्ड बेल्स होती हैं उनके अंदर बायोमेटेलिक स्ट्रिप ही यूज की जाती है, ठीक है ना। अगर आपकी बॉडी आइसोट्रॉपिक है तो उसका जो एक्सपेंशन होगा वो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट के बिल्कुल सिमिलर होगा।
यानी कि कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज होगी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आपकी बॉडी ऐसी थी अंदर कैविटी बनी हुई है, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई से भी दो पॉइंट्स ले लो, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़नी चाहिए। जैसे एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, तो देखो डिस्टेंस बढ़ गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई ना। ऐसे एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जानी चाहिए। डायग्राम मैंने थोड़ा सा बनाया अपने हाथों से, बट हर कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जानी चाहिए। दिस इज सिमिलर टू फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड को आप हमेशा किसी बर्तन में रख के ही गर्म करोगे, और सबसे पहले हीट मिलेगी बर्तन को, तो सबसे पहले बर्तन एक्सपेंड होगा। इसकी वजह से आप देखोगे कि आपका जो एक्सपेंशन आपको दिखाई देगा वो बेसिकली दो एक्सपेंशन के डिफरेंस के इक्वल होगा। एक तो अगर आप केवल और केवल लिक्विड को ही कंसिडर करो कि रियल में उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होना चाहिए था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम टाइम्स डेल्टा टी, और केवल और केवल बर्तन को ही कंसिडर करो डेल्टा वी वेसल डिवाइडेड बाय वी टाइम्स डेल्टा टी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपेरेंट कोफिशियंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो अपेरेंट चेंज इन वॉल्यूम दिखाई देगा वो रियल चेंज इन वॉल्यूम माइनस वेसल का जो वॉल्यूम चेंज हुआ है उसके इक्वल होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे 3α रख सकते हो वेसल की जगह, नॉर्मली उसका लीनियर कोफिशियंट दिया हुआ रहता है। तो अलग अलग केसेस बनते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि जो लिक्विड है उसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है अगर वो 3α से ज्यादा हो, इसका मतलब है आपका डेल्टा वी अपेरेंट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है आपका जो लेवल है वो राइज होगा, और अगर रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड 3α से कम हो तो आपका जो लेवल है वो गिरना चाहिए। भाई बर्तन भी बढ़ रहा है, पानी भी बढ़ रहा है, अब पानी ज्यादा बढ़ रहा है बर्तन के कंपैरिजन में तो लेवल राइज होगा, और अगर पानी कम बढ़ रहा है बर्तन के कंपैरिजन में तो लेवल आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे तो एक्सपेंशन नहीं हो रहा, यहाँ पे तो उसका जस्ट उल्टा काम हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये जो दो पेजेस थे, ये जो दो मैप्स थे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, वन बाय वन आप दोनों मैप्स का जो स्क्रीनशॉट है वो लेके रख लो, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाने वाला एग्जाम के अंदर। ये पहला मैप है जो कि आपको इलास्टिसिटी की टेरिटरी के अंदर घुमाएगा, और ये हमारा दूसरा मैप है जो कि आपको थर्मल एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स की टेरिटरी के अंदर घुमाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। इसको प्रूव करने के लिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर बाय एन अमाउंट एक्स इज गिवन बाय। तो हमने देखा था कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे सारी चीजें क्या हमें गिवन है, सबसे पहले स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हमें कितना गिवन है, हाफ। अ वायर ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर बाय एन अमाउंट, तो हमें लोड कितना अप्लाई किया गया है वो नहीं दे रखा, मतलब स्ट्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं। हम स्ट्रेस को कैसे लिख सकते हैं, वाई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन लिख सकते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला भी था ना हमारे पास में, तो स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इस तरीके से अपन वर्क डन को लिख सकते हैं। अब देखो सबकी वैल्यू रखते हैं, हाफ यंग्स मॉडुलस तो वाई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डायरेक्ट यूज कर लिया। स्ट्रेन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना है एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ वो कितना है एल, और इसका करना है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गया। और अगर अपन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, अगर सिलेंड्रिकल माने तो इस वायर को। अब इसको सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, एल से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर आएगा वाई मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाना चाहिए। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, तो फॉर्मूलाज आपके फिंगर्स पर होने चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो y a x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, ऑप्शन नंबर b विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ s इज स्ट्रेस एंड y इज यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर, द एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी,
बहुत ही आसान है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन की इक्वल हो जाएगी। वॉल्यूम तो मैं नीचे ले गया, ठीक है। अब हमें स्ट्रेस कितना दे रखा है, एस दे रखा है, और स्ट्रेन जो होता है सबको पता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, यंग्स मॉड्यूलस वाई के इक्वल होता है। तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। ये आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होना चाहिए। तो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोड वर्सेज इलोंगेशन ग्राफ फॉर फोर वायर्स ऑफ द सेम मटीरियल। सेम मटीरियल का मतलब है सबका यंग्स मॉड्यूलस सेम है। सेम लेंथ इज शोन इन फिगर, द थिनेस्ट वायर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। तो देखो यहां पे शुरुआत करेंगे अपन, यहां से जो यंग्स मॉड्यूलस हुआ करता था वो किसके इक्वल हुआ करता था, एमजी लिखा करते थे, एमजी की जगह आप डब्ल्यू लोड लिख लो, कितना वेट आपने वायर से लटका रखा है। तो यंग्स मॉड्यूलस हुआ करता था स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो हो जाएगा इतना वेट आपने लगा रखा है, डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा पाए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये तो स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेन जो होगा हो जाएगा इलोंगेशन दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आपको कितनी लेनी है एल लेनी है। तो यहां से आपको डेल्टा एल की वैल्यू पता पड़ जाएगी, डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय पाए आर स्क्वायर टाइम्स वाई, ठीक है। तो आप देख रहे हो लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ फॉर फोर वायर्स, हमें किस किस का ग्राफ दे रखा है, लोड इधर दे रखा है, इलोंगेशन इधर दे रखा है। तो अगर अपन लोड को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और इलोंगेशन को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो क्वांटिटी है पाए आर स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप ऑफ लोड इलोंगेशन ग्राफ। ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए, ऐसा ही तो होता है, अगर वाई और एक्स एक्सिस के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दोगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को। तो डब्ल्यू को डेल्टा एल से डिवाइड कर दो तो ये जो बचेगी क्वांटिटी पाई आर स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप यहां से सीधा सीधा देख सकते हो कि स्लोप जो है, बाकी सब चीजें कॉन्स्टेंट है, पाए कॉन्स्टेंट है, सारे सेम मटीरियल से बने हुए हैं तो वाई कॉन्स्टेंट है, सबकी लेंथ सेम है तो एल कॉन्स्टेंट है। तो जो स्लोप है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। कहने का मतलब है जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा मिलेगी उसकी रेडियस भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि उसकी थिकनेस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हो जो ये वायर ए है इसकी स्लोप सबसे कम है, स्लोप सबसे कम है इसका मतलब इसकी रेडियस सबसे कम है, और रेडियस सबसे कम है इसका मतलब है ये सबसे थिन वायर है। तो द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन OA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है जो कि आपने दो पेजेस के अंदर देखी थी जो मैंने रिप्रेजेंट किए थे आपके सामने। आसान चीज है, यहां पर हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था और भी पिछली जितनी भी चीजें पढ़ी थी उनको थोड़ा सा मिला के क्वेश्चन बनाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो मोस्ट वांटेड सीरीज को पढ़ने वाले बच्चों के वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इसी तरीके से, उनको पता है कि ग्राफ का मतलब क्या होता है, कैसे स्लोप रिप्रेजेंट करी जाती है एंड ऑल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ, सेम मटेरियल का मतलब है यंग्स मॉडुलस सेम हो गया, लेंथ सेम दे ही रखी है, बट डायमीटर्स इन द रेशियो 1:2 आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, उनके ऊपर जो लोड अप्लाई किया गया है वो भी सेम है। द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द टू वायर्स व्हेन स्ट्रेच्ड विल बी इन रेशियो। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं लिख देता हूं पहले वाले के लिए यू वन, किसके इक्वल हो जाएगी हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स एफ अप्लाई किया है
एरिया बाय आर वन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये तो स्ट्रेस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कैसे लिखते हैं अपन, जो लेंथ लेंथ के अंदर चेंज आए, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट डायमीटर्स इन द रेशियो 1:2 आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स। अब जो स्ट्रेन है उसको अपन जानबूझ के लिखेंगे स्ट्रेस, यानी कि एफ डिवाइडेड बाय पाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा, बाय स्ट्रेन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो अपने स्ट्रेस की फॉर्म में लिखी है, क्योंकि हमें जो क्वांटिटीज दे रखी है वो स्ट्रेस से रिलेटेड दे रखी है, तो जो जो दे रखा है उसकी फॉर्म में लिख लिया, कुल मिला के इतनी सी बात है। तो यू वन जो हो जाएगा, हो जाएगा हाफ, ये आ गया स्ट्रेस, और स्ट्रेन की जगह हमने यूज कर दिया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यू टू कितना हो जाएगा, वही हाफ, फोर्स तो आपने सेम अप्लाई किया है, तो एफ डिवाइडेड बाय पाई आर टू स्क्वायर टाइम्स एफ डिवाइडेड बाय पाई आर टू स्क्वायर टाइम्स टाइम्स वन डिवाइडेड बाय वाई। मैंने एफ और वाई सेम क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि सेम फोर्स लगाया गया है और मटेरियल भी सेम है। ठीक है, चलो अब ये बात होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यू वन और यू टू का रेशियो ले सकते हैं। तो हम देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस एफ से एफ और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, इस वाले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आर वन की पावर 4 और आर टू की पावर 4। ठीक है, तो डायमीटर्स का जो रेशियो है वो दे रखा है 1/2, जो डायमीटर्स का रेशियो होगा वो रेडियस का रेशियो भी होगा, तो ये आपको दे रखा है 1/2, तो 1/2 की पावर 4 करोगे तो 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, यानी कि आपको 1/16 इतना आंसर आता हुआ मिलेगा। द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर दी टू वायर्स व्हेन स्ट्रेस्ड बी इन रेशियो। तो इसमें हो सकता है U2/U1 कंसिडर कराओ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, 16:1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायमेंशन ऑफ टू वायर्स ए एंड बी आर द सेम बट दियर मटीरियल आर डिफरेंट। डायमेंशन सेम होने का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेंथ सेम है, मटीरियल जो है वो डिफरेंट है, यानी कि यंग्स मॉडुलस अलग अलग है। दियर लोड वर्सेज एक्सटेंशन ग्राफ आर शोन इफ वाई ए एंड वाई बी आर द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ होता है उसकी स्लोप किसके इक्वल होती है, पाई आर स्क्वायर टाइम्स एल डिवाइडेड बाय वाई के इक्वल होती है। अभी अभी हमने देखा था ना कि यंग्स मॉडुलस हुआ करता था लोड डिवाइडेड बाय एरिया, ये तो होता था स्ट्रेस, और यहाँ पे आ जाता था इलोंगेशन डिवाइडेड बाय लेंथ एल, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर वाई, करेक्ट करते हैं इसको, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर टाइम्स वाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एल, पाई स्क्वायर टाइम्स वाई डिवाइडेड बाई एल के इक्वल हो जाएगा। अब डायमेंशन सेम है इसका मतलब है रेडियस सेम है दोनों वायर्स की और लेंथ भी सेम है, तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसके, यंग्स मॉडुलस के, यानी कि जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा होना चाहिए। तो ए की स्लोप ज्यादा है यानी कि ए का यंग्स मॉडुलस, बी की स्लोप कम है यानी कि बी के यंग्स मॉडुलस से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वहां पर थोड़ा बहुत आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको अलग से एक वीडियो के अंदर दी गई है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कनेक्ट करना आना चाहिए, वो तो आप सभी लोग कर लोगे। वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड ऑफ वेट डब्ल्यू इज अटैच्ड रिजिडली टू अ पॉइंट इन द रूफ एंड अ वेट डब्ल्यू वन is suspended from its lower end. If S is the area of cross section of the wire, the stress in the wire at a height L by 4 from the lower end is. तो देखो ये आपका वायर है, यहां से यहां पर इस पॉइंट पर आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और आपने इससे एक वेट और बांध रखा है और वो है W1। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखोगे तो टोटल वेट आपको कितना नजर आएगा, एक तो ये तो आपने बांध ही रखा है,
एक इस वाले हिस्से का वेट और नजर आएगा। ये कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे टोटल वेट है W, टोटल लेंथ है L, और आपको कितनी लेंथ का वेट चाहिए? L/4 का चाहिए। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वेट निकल के आएगा W/4। तो अब अगर आप स्ट्रेस निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट के ऊपर टोटल वेट तो कितना है? W1+W/4, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है आपको? S दे रखा है। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? W1+W/4/S, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर कोर्ड हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm² टोटल अनस्ट्रेच्ड लेंथ 10 cm इट इज स्ट्रेच्ड टू 12 cm एंड देन रिलीज टू प्रोजेक्ट अ मास ऑफ 5 g। यंग्स मॉड्यूलस फॉर रबर इज दिस, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द मास। तो वेलोसिटी ऑफ द मास अपनों को फाइंड आउट करना है, टेंशन तो खैर अपन फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो जो जो कह रखा है वो कर लेते हैं। हमें एरिया दे रखा है 1 mm², 1 mm का मतलब होता है 10^-3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10^-6, इतने मीटर स्क्वायर तो एरिया हो गया। लेंथ हमें दे रखी है L 10 cm, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10^-2 मीटर, और जो डेल्टा L है 10 से 12 पर ले गए तो डेल्टा L कितना हो गया? 2 cm, 2 × 10^-2 मीटर, ठीक है। और इसका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो कितना दे रखा है अपनों को? 5 × 10^8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस और प्रेशर, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट सेम होती है, ठीक है। तो ये चीज हमें दे दी। अब सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे कि जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? तो सबसे पहले वो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन का स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये भी देखा था, इसमें स्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यही पोटेंशियल एनर्जी आप उस पत्थर को, जो 5 g का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको हिट करने के अंदर यूज में ले रहे हो, यानी यही उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जानी चाहिए। तो आपकी एनर्जी हो जाएगी हाफ मास दे रखा है आपको, सपोज करो स्मॉल m, और वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v2। तो फाइनली अपनों को v निकालना है। अब देखो हाफ से हाफ तो कट जाएगा, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस का मतलब हो जाएगा 5 × 10^8, स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा डेल्टा L/L, और उसका भी स्क्वायर करना है, तो 2 × 10^-2 / 10 × 10^-2, और इसका करना है अपनों को स्क्वायर। वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, यानी कि 1 × 10^-6 इंटू 10 × 10^-2, ये वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाय मास, मास को भी इधर ले आते हैं, तो मास कितना दे रखा है आपको? 5 g, यानी कि 5 × 10^-3, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? v² के इक्वल हो जाना चाहिए। अब देखो सबको सॉल्व करते हैं, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब 10 की फॉर्म में, एक बस इसकी टेंशन हो रही है, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, ये 10^-2 से -2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1/5 बचेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 बचेगा, इनटू, अब देखो पावर देखते हैं, कलेक्ट करते हैं, इधर से आ रही है 10^8, इधर से आ रही है -6 और -2 -8, और +1 करोगे तो माइनस का 7 रह जाएगा, × 10^-7, और नीचे है 10^-3, इस -3 को ऊपर ले जाएंगे तो -7 + 3 -4 बचेगा, और 8 में से 4 को माइनस करोगे तो अल्टीमेटली कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, तो बचेगा 1/25 × 10^4, ये किसके इक्वल होना चाहिए? v² के इक्वल होना चाहिए। तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी, रूट ले लेते हैं 1/5, और 10^4 का रूट आ जाएगा 10^2, यानी कि 100, और 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 m/s, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए।
तो दो अलग अलग जगह से क्वेश्चन को कनेक्ट किया गया, और ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट है नीट के और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। आसान है, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, पत्थर को हिट किया, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया और आपका आंसर आ गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज अटैच्ड टू अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर हुज ब्रेकिंग स्ट्रेस इज 4.8 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज गिवन। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विथ व्हिच इट कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगेन दो अलग अलग जगह से क्वेश्चन को कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि अगर हमें स्ट्रेस वगैरह सब कुछ दे रखा है तो हम कितना रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा होगा वायर के अंदर, क्या वो निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि हमें जो दे रखी है चीजें उनकी फॉर्म में लिखते हैं। लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। और ब्रेकिंग स्ट्रेस जो दे रखा है वो हमें दे रखा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है 4.8 × 10⁻⁷। और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया कितना दे रखा है, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो जो ब्रेकिंग फोर्स है इसको इधर ले आएंगे, 7 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे। पहली चीज तो ये समझो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है स्ट्रेस की, हम उससे वो फोर्स निकाल सकते हैं जो कि अगर तुमने वायर के ऊपर लगा दिया तो वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा 48 न्यूटन। अब ये फोर्स लगा कौन रहा है कि आप सर्कुलर मोशन में रोटेट करवा रहे हो, तो सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाने के लिए आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब की बार सेंट्रीपिटल फोर्स की सीट पर कौन बैठा है आपका, ये रीस्टोरिंग फोर्स बैठा है। राइट, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो शक्ल होती है वो हमेशा फिक्स होती है मास, यानी कि 10 इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर टाइम्स रेडियस, और रेडियस की तरह कौन एक्ट कर रही है आपकी, लेंथ एक्ट कर रही है। 30 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 30 × 10⁻²। तो हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ये रह जाएगा 48, नीचे ये 10 है, ये -2 है, तो 10⁻¹ बचेगा, और 10⁻¹ यानी कि 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, और 3 को अपन नीचे भेज देंगे, यही किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, 3 को 48 को 3 से, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन को किस तरीके से इलास्टिसिटी से कनेक्ट किया गया है उसका एग्जांपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज 2:1। फाइंड इफ दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इज। अगर उनको सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया है तो स्ट्रेस का रेशियो कितना होगा। तो हमें पता है टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ये सेम मटेरियल का मतलब है दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है, सेम फोर्स अप्लाई किया गया है, डिवाइडेड बाय पाई आर वन स्क्वायर, ये तो हो गया स्ट्रेस। ठीक है, ऑफ टू वायर्स सेम मटेरियल्स, फाइंड इफ दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस का मतलब है कि अपन डायरेक्ट स्ट्रेस की फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है ना, तो पहले वायर के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस इन फर्स्ट वायर, वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय पाई आर वन स्क्वायर, और दूसरे वायर के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो हो जाएगा, फोर्स तो सेम है, पाई आर टू स्क्वायर, दोनों का जो रेशियो है स्ट्रेस वन स्ट्रेस टू, फोर्स से फोर्स कट गया, आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर के, और R1 डिवाइडेड बाय R2 कितना दे रखा है आपको, 2 डिवाइडेड बाय 1, या R2 डिवाइडेड बाय R1 दे रखा है आपको 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, जो जो कहा गया है वो करते जाओ, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल का मतलब यंग्स मॉडुलस सेम है, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज हाफ that of the second wire and its diameter is double that of the second wire. If equal load are applied on both the wires, find the ratio of increase in their length.
तो पहले का यंग्स मॉड्यूलस वाई हो गया, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज हाफ दैट ऑफ द सेकंड वायर एंड इट्स डायमीटर इज डबल, इक्वल लोड, तो फोर्स यहां पर भी एफ लगाया गया है, रेडियस अपन पाए आर स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये तो स्ट्रेस हो गया, ये डेल्टा एल वन हो गया और ये आपका एल हो गया, ठीक है, इस तरीके से करना। अब दूसरे वायर के लिए सेम मटेरियल का मतलब है यंग्स मॉड्यूलस सेम हो गया, सेम लोड अप्लाई किया गया है, इसका मतलब है फोर्स आपका सेम हो गया, पाए ये बोल रहे हैं इट्स डायामीटर इज डबल दैट ऑफ द सेकंड वायर, सेकंड वायर का जो डायामीटर है उससे डबल है पहले का, ठीक है, यानी कि दूसरे का पहले के कंपैरिजन में आधा हो जाना चाहिए, यानी कि रेडियस भी आधी हो जानी चाहिए, तो r बाय टू रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ के लिए बोल रहा है द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज हाफ दैट ऑफ सेकंड वायर, तो सेकंड वायर भी कितनी हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए, 12 लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा एल टू आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इधर वाई से वाई कट गया 1, एफ से एफ चला गया, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, एल से एल चला गया, ये 4 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 बचेगा, तो इधर तो बच रहा है 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल 1 और इधर बच रहा है 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल 2, यानी कि इसको इधर ले आएंगे तो 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल 2 ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल 1, यानी कि डेल्टा एल 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 8 के इक्वल आनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बार यंग्स मॉडुलस दे दिया गया है, अल्फा दे दिया गया है, 1 मीटर लॉन्ग, 10^-3 मीटर स्क्वायर इन एरिया, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर दे दिया गया है, विदाउट बीइंग अलाउड टू बेंड और एक्सपेंड, दोनों जगह पर फिक्स है, उसको ना तो एक्सपेंड होने दिया जा रहा है ना मुड़ने दिया जा रहा है, फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बार, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था, कंप्रेसिव फोर्स हुआ करता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यंग्स मॉडुलस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर, एरिया कितना दे रखा है हमें 10^-3 मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है हमें 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अल्फा कितना दे रखा है 10^-6 और डेल्टा टी हमें दे रखा है 100 यानी कि 10^2। चलो सॉल्व करते हैं, ये -3 और -6 -9 हो गए और 11 - 9 करेंगे तो 10^2 बचेगा और 10^2 और 10^4 हो जाएंगे, यानी कि क्या 1, 2, 3, 4 जीरो लगाने हैं आपको, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, आपको बस इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि अभी तक शायद आपको पता नहीं थी, अब आपके हाथ में है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इफ द रॉड इज हीटेड फ्रॉम 0° सेल्सियस टू 20° सेल्सियस, फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड। अब बहुत छोटी सी बात है वो छुपी हुई है इसके अंदर, मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रॉड की लेंथ बढ़ जाती है, अगर आप उसको दोनों एंड्स पर फिक्स कर देते हो तो आप उस लेंथ को बढ़ने नहीं देते, इसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन जनरेट होते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में उस रॉड को तुमने आज़ाद छोड़ रखा है, फ्री छोड़ रखा है दोनों एंड्स पर, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एंड्स पर फ्री है तो कोई थर्मल स्ट्रेस और कोई थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहां पर पूछा जाता कि बताओ थर्मल स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा, तब तो आप आसानी से बता देते कि इतना प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन की अगर बात करी जाती है तो स्ट्रेन जो होगा वो स्टिल किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एल किसके इक्वल होता है, ये इसकी वैल्यू होती है अल्फा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल होती है, अल्फा हमें दे रखा है कितना है 5 × 10^-5 और चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है 20 यानी कि 100 × 10^-5, ये -5 है ये 2 है यानी कि 10^-3, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ध्यान दो, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, अगर पूछा जाता कि बताओ थर्मल स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, 0, और आपसे पूछा गया है कि बताओ थर्मल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो
आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज 10^-3 जो है वो करेक्ट होगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं यहां से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ एल एंड 2L हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड 2α रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड सो दैट द टोटल लेंथ बिकम्स 3L, द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कंपोजिशन रॉड इक्वल्स। देखो, अगर पहले वाले रॉड की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो उसकी जो फाइनल लेंथ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल लेंथ टाइम्स 1 + α टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक्सपेंशन होना चाहिए और उसकी फाइनल लेंथ इस चीज के इक्वल हो जानी चाहिए। और अगर एल एफ वन लिख लेते हैं अपन, है ना, इसको ऐसे एल एफ टू जो सेकेंड लेंथ है, सेकेंड रॉड है, उसकी जो फाइनल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ थी 2L टाइम्स 1 + ओरिजिनल टेम्परेचर कोफिशिएंट था 2α और टेम्परेचर स्टिल आपने कितना बढ़ाया, डेल्टा टी। तो दोनों को जो कंपोजिट करके आपने रॉड बनाई है उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट कितना होगा, f1 + lf2। और यहां से देखते हो तो आपको नजर आ रहा है ये हो जाएगा l + α टाइम्स l टाइम्स डेल्टा टी प्लस 2l + 2 और 2 4 टाइम्स अल्फा टाइम्स एल टाइम्स डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा l + 2l दैट इज 3l प्लस यहां पर आ जाएगा आपका अल्फा एल डेल्टा टी और 4 तो 5 टाइम्स एल टाइम्स अल्फा टाइम्स डेल्टा टी। अब अगर आप इसमें से 3l बाहर निकालते हो तो अंदर बचेगा 1 + 5/3 टाइम्स अल्फा टाइम्स डेल्टा टी। तो अगर आप कंपोजिट रॉड की लेंथ 3l लेते हो तो ये तो उसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई, तो आपका फॉर्मूला अगर मैच कराओगे तो अल्फा की तरह कौन सी वाली टर्म एक्ट कर रही है, 5/3α, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है, जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा करते जाओ, आपको ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो, द फिगर बिलो शोज 4 आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स हैविंग पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि सब लोग बढ़ेंगे। स्टूडेंट प्रेडिक्ट्स दैट ऑन हीटिंग द सॉलिड फॉलोइंग थिंग्स कैन हैपन। अब बताओ इनमें से ट्रू कौन सी है और इनमें से फॉल्स कौन सी है। तो सबसे पहले द एंगल अल्फा इन फिगर 1 विल नॉट चेंज। अब मैंने आपको एक सिंपल सा मूल मंत्र दिया था कि आइसोट्रॉपिक बॉडीज का जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से होता है जैसे आपने उसकी फोटो को क्या कर दिया हो, एनलार्ज कर दिया हो। अब जैसे देखना, अगर मैं इस फोटो की बात करूं और इसको मैं एनलार्ज करूं, ठीक है, यहां से इसको मैं जूम आउट करने की कोशिश करूं, तो आप देख रहे हो कि एनलार्ज करने पर फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट हो रहा है, आपके एंगल के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि आपका एंगल पहले 10 डिग्री था और बढ़ते 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 90 डिग्री होता जा रहा है, एंगल के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि इसका जो एंगल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट हो गया। दूसरे के बारे में बात करते हैं, द लेंथ ऑफ लाइन इन फिगर विल डिक्रीज। मैंने बताया था कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ये भाई साहब जी बोल रहे हैं डिक्रीज होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द रेडियस, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। द रेडियस ऑफ इनर होल विल डिक्रीज। मैंने बताया था कोई से भी दो पॉइंट पकड़ लो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़नी चाहिए, जबकि ये ऑप्शन कह रहा है कि डिक्रीज होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। एंड द डिस्टेंस ए बी विल इंक्रीज, ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये आपका हो गया ट्रू। तो टी एफ एफ टी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो अपनों ने एक छोटा सा फैक्ट पढ़ा था उसके बेसिस पे। द ग्राफ ए बी शोन इन फिगर इज अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेरनहाइट, देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब स्लोप तो अपन वैसे ही निकाल सकते हैं भाई, स्लोप कैसे निकालते हैं, दिस हाइट तो ये है 100 - 0 करोगे तो कितनी आ जाएगी, 100, एंड दिस लेंथ और ये है 212 में से 32 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो आपकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, 100 / 180 के इक्वल आ जानी चाहिए, 0 से 0 गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 9, तो आपकी स्लोप आ जानी चाहिए 5/9। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 5/9, ठीक है।
तो ये तो खैर अपन डायरेक्ट कर सकते थे, और भी ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द कर्व्स इन फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फेरेनहाइट। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 और फेरेनहाइट डिवाइडेड बाय 180, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर आप इसको वाई एक्सिस पे लो तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 180 टाइम्स 100 के इक्वल आना चाहिए। तो दो चीजें तय हो गई, ठीक है। एक तो ये चीज तय हो गई कि आपका जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का ग्राफ होगा उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। अब स्लोप जहां जहां नेगेटिव है वो तो वैसे पॉइंट कट जाएंगे, तो ये वाला ग्राफ कट गया और ये वाला ग्राफ कट गया। इसकी भी स्लोप पॉजिटिव है और इसकी भी स्लोप पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होना चाहिए, ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं, जो इसका इनिशियल पॉइंट था वो लिया जाता है सी माइनस जीरो, और जो इसका इनिशियल पॉइंट था वो लिया जाता है एफ माइनस 32। 100 डिवाइडेड बाय 180 को अभी भी मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं अपन, 5 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकते हैं। तो सी इज इक्वल टू फाइनली आएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स एफ माइनस 32 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 9। तो आपकी स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए और 5/9 होनी चाहिए, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके थे। और आपका जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस के ऊपर वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इस वाली स्ट्रेट लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको कंसेप्चुअली वार करना है, और बेसिकली क्वेश्चन ग्राफ वाले सेक्शन के हैं, राइट, अभी वाले चैप्टर के, राइट। एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फेरेनहाइट इक्वलाइज। तो अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा था, सी इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 5/32/9, ठीक है। अब हमें ऐसा कहा गया है कि सी और एफ एक टेम्परेचर ऐसा है जहां पर इक्वल है, तो सी की जगह भी एक्स रख देते हैं और एफ की जगह भी अपन क्या रख देते हैं, एक्स रख देते हैं, 5/32/9। इसको ले आते हैं इधर, तो एक्स माइनस 5/9x इज इक्वल टू माइनस 5/32/9। तो 9 में से 5 चला गया तो बचेगा 4x/9 इज इक्वल टू माइनस 5/32/9। 9 से 9 चला गया, 4 से ये 8 टाइम्स चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -40। ये तो आपको एज ए फैक्ट भी ध्यान रखना होना चाहिए, हो सकता है आपको छोटी क्लासेस में रटाया भी गया हो कि -40 डिग्री जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस और फेरेनहाइट इन दोनों ही स्केल्स पर सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर आयरन रॉड इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा था कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल होना चाहिए एल्फा टाइम्स डेल्टा टी। तो इधर अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं, एल्फा की वैल्यू है 2×10^-5। टेम्परेचर चेंज किया है आपने 100 डिग्री सेल्सियस और इंटू 100 पहले से है, तो ये तो हो गया 10^4। -5 + 4 यानी कि बचेगा -1 यानी कि 2/10 यानी कि 0.2%, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट हैज अ सर्कुलर कैविटी शोन इन द फिगर, इफ वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर देन विच डायमेंशन विल इंक्रीज इन फॉलोइंग फिगर। इनमें से कौन कौन से डायमेंशन जो है वो बढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कोई से भी दो पॉइंट ले लें, अगर इसकी बात करें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बढ़नी चाहिए तो डी भी बढ़ेगी, इसकी बात करते हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़नी चाहिए तो सी भी बढ़ेगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात करें बढ़नी चाहिए ये भी बढ़ेगी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात करें ये भी बढ़नी चाहिए, यानी कि ए बी सी डी ये चारों ही डायमेंशन जो है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन रूल है वो हमेशा वर्क करेगा कि बॉडी के कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़नी चाहिए, ठीक है।
द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज रेज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द चेंज इन इट्स टेम्परेचर ऑन द फेरनहाइट स्केल एंड ऑन केल्विन स्केल. तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि चेंज इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू चेंज इन फेरनहाइट डिवाइडेड बाय 180 एंड इज इक्वल्स टू चेंज इन केल्विन डिवाइडेड बाय 100. तो चेंज इन केल्विन तो चेंज इन डिग्री सेल्सियस के इक्वल ही हो जाएगा, यानी कि 90 में से 30 जाएगा तो 60. ठीक है, इसकी तो बात खत्म हो गई. अब इसकी बात करते हैं, जो डेल्टा एफ होगा वो हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स डेल्टा सी. और डेल्टा सी कितना दे रखा है अपने को, 60. इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, 6 इंटू 8 करोगे 48, बचेगा 461108 फेरनहाइट. इतना आपका चेंज इस पर्टिकुलर स्केल पर आना चाहिए. तो जब किसी बॉडी का टेम्परेचर 30 से 90 लेके जाते हो तो केल्विन में भी 60 केल्विन इंक्रीज होता है, बट फेरनहाइट स्केल पे वो कितने यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा, 108 यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा. और ये लास्ट क्वेश्चन है, अ थर्मोमीटर विद एन आर्बिट्रेरी स्केल हैज द आइस पॉइंट एट -20 डिग्री एंड द स्टीम पॉइंट एट 180 डिग्री. When the thermometer reads 5 degree, a centigrade thermometer will read. तो हमने पढ़ा था कि कोई सा भी स्केल ले लो, उस पर जो टेम्परेचर होगा T माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो आइस पॉइंट नॉर्मली जहां पर आइस पॉइंट माना जाता है उसको लोअर फिक्स, तो इसमें -20 दे रखा है उसके वैल्यू, और अपर फिक्स पॉइंट कितना ले रखा है इसमें 180 -20. और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस के अंदर अपन लिखा करते थे सी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 100 माइनस जीरो. तो इससे हमें सी की वैल्यू पता पड़ जाएगी. अब ये जो थर्मोमीटर जो हमने बनाया है, नया स्केल जो बनाया है, उस पर 5 आ रहा है, तो इस टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है. तो जाएगा 5 + 20 और 180 + 20. इधर सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 200 is equals to C divided by 100, यानी कि C की वैल्यू आ जाएगी 12.5 डिग्री सेल्सियस. तो जो नया स्केल आपने बनाया है उस पर 5 डिग्री अगर टेम्परेचर आ रहा है, तो सेम टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड स्केल पे मेजर किया जाएगा तो कितना आएगा, 12.5 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. तो हमने बहुत वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, और बिलीव मी कि इनसे बाहर क्वेश्चन हो सकता है आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल जाए. बाकी कंसेप्ट्स हमने सारे करे, हर तरीके का क्वेश्चन टारगेट किया है, और मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अब राइट टाइम आ चुका है अपने इनक्रीज्ड कॉन्फिडेंस का फायदा उठाने का. तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई करना है. चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का फायदा यही है कि आप हर चैप्टर का रिवीजन करने के बाद में जो आपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया है अपना, उसके साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में नीट जो है वो कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है. तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.